वाइस प्रिंसिपल सिस्टर रीटा, सीबीएसई वाइस प्रिंसिपल सिस्टर अगरवाल और यहाँ उपस्थित सभी सिस्टर एवं शिक्षकगण, दीदी भैया एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हम यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विजय के को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, वो आकर हमारे मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ प्रदान करें। हमारे मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ प्राप्त। तीन रंगों से बना हमारा तिरंगा, जिसकी सबसे ऊपर का रंग केसरिया शक्ति और शौर्य का प्रतीक, बीच का सफेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक है, एवं नीचे की पट्टी का हरा रंग हमारे देश की हरियाली और उन्नति का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज में बना अशोक चक्र, जिसे विधि चक्र भी कहते हैं, यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के मंदिर से लिया गया है। यह चक्र जीवन की गतिशीलता का परिचायक है। चक्र का नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसकी 24 तीलियां मनुष्य की 24 गुणों को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा हमारा चक्र एकता और सद्भाव के प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जाता है। भारतीय तिरंगा को हम राष्ट्र ध्वज भी कहते हैं, जो कि हमारी आन बान और शान का परिचायक है, जिसके लिए अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी। आगे के मंच संचालन के लिए मैं कोमल को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि अपने सम्मानित स्थान को ग्रहण कर लें।